नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने नगर निगम की मेयर उषा चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नगर की जनता के हित में विकास कार्य करने के बजाय ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर खनन में लिप्त होकर 50 करोड़ रुपए के वारे न्यारे करने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस प्रकरण की गहराई से जांच हो और ट्रंचिंग ग्राउंड की आड़ में खनन के खेल में लिप्त चेहरों को बेनकाब कर दंडित किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ देगी। काशीपुर से संवाददाता राजेश शर्मा की ये रिपोर्ट। कि जब ट्रंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए वो जमीन दी जा रही थी, सार्वजनिक रूप से जनता के हित के लिए दी जा रही थी, तो वहां के आसपास की जनता को क्यों नहीं बताया गया? आज वहां की जनता विरोध में खड़ी है, आसपास के सारे गांव विरोध में खड़े हैं। कल माननीय कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य जी वहां पर दौरे पर थे, तो गांव वालों ने उन्हें ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा, मेरे से भी कल आकर गांव वाले अखबार में छपने के बाद मेरे से भी मुलाकात करी वहाँ के गाँव के लोगों ने, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पटंजी ग्राउंड नहीं बनने देंगे। फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, आपको मेरा प्रणाम। मीडिया के बंधु, आपका बहुत बहुत आभार कि आज एक ऐसे मुद्दे पर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, जनता से रूबरू हो रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले कुछ सालों में जो काशीपुर की जनता के साथ होता रहा है और सामने नहीं आया, आज उसकी शुरुआत की जा रही है। मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं मधुमक्खियों के उस छत्ते में हाथ डाल रहा हूँ जिसमें जनता से चूस चूस कर बहुत शहद इकट्ठा कर दिया गया है, लेकिन उस शहद पर हक जनता का है, काशीपुर के लोगों का है। मैं जानता हूँ आने वाले समय मेरे लिए और कठिन होने जा रहा है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने 15 साल के अंदर बहुत सारे प्रकरणों को जन्म दिया है, जनता को ये दिखाते हुए कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पर्दों के पीछे खेल कुछ और चलते रहे हैं। लेकिन आज तक उनके द्वारा कमरों के अंदर बैठकर धमकियां, दबाव, इसकी जो राजनीति करी गई, जो जनता के सामने कभी नहीं आ पाई, उन लोगों को दबाया गया, रोका गया, जो आवाज उठाना चाहते थे उनको भय दिखाया गया। लेकिन वो लोग अच्छे तरीके से समझ लें कि मैं उनसे भयभीत होने वाला नहीं हूं। मैं जो भी बात करूंगा और भविष्य में भी जो भी बात करूंगा, सिर्फ घटिया और तुच्छी राजनीति के लिए, वाहवाही लूटने के लिए नहीं करूंगा। मैं सबूतों के साथ करूंगा और जांच करवाने की बात करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं उन पर कोई आरोप लगा रहा हूं तो वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र हैं। जनता, मैं सबसे पहले मीडिया के उस बंधु का आभार करूंगा, हाथ जोड़कर करूंगा, जिनके द्वारा कल इस प्रकरण को छापा गया। और जब मैंने उस प्रकरण की गहन जांच करी और उसको समझा और उसकी डिटेल्स को इकट्ठा किया, तो वो खबर पूर्णता सत्य निकली। और उस सत्यता के अंदर भी जो उसमें नहीं छपा और जो छिपा हुआ था, उसको सामने लाने का मैंने प्रयास किया। बंधुओं, सबसे पहले मैं प्रकरण पर बात करता हूं। ये प्रकरण टंचिंग ग्राउंड बनाने के नाम पर, कूड़े का टंचिंग ग्राउंड बनाने के नाम पर, ये टंचिंग ग्राउंड नहीं है। साथियों, मेरी सम्मानित जनता, ये टंचिंग ग्राउंड कूड़े के ढेर में छिपे हुए नोटों का खेल है, और कूड़े से जो नोट बीनने का प्रकरण शुरू हुआ, उसकी शुरुआत होती है 2019 में, जब एक इस फाइल के अनुसार एक समाज सेवी के द्वारा अपनी जमीन
इसलिए दी जाती है कि नगर निगम काशीपुर इस पर कूड़े का टंचिंग ग्राउंड बनाए। मैं मान लेता हूँ पॉइंट नंबर वन कि टंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए उन समाज सेवी द्वारा अपनी ज़मीन दी जा रही है, बिल्कुल ठीक है। 13 किलोमीटर दूर ज़मीन दे दी जाए और बच्चों के लिए, उन गांव के बच्चों के लिए, जनता के लिए वहां पर एक खेल के मैदान की शुरुआत करी जाए। मैं दीपक बाली उस खेल को मैदान को बनाने के लिए नगर निगम और जनता के सहयोग से मैं इस बीड़े को उठाता हूं और वहां पर अपने प्यारे बच्चों के लिए, उस गांव के लोगों के लिए खेल के मैदान की शुरुआत करते हैं। अगर वास्तव में ये खलन का खेल नहीं है तो कल ही इस जमीन को जब नगर निगम को सार्वजनिक हित के लिए कूड़े के नाम पर दिया गया था, वो खेल के नाम, मैदान के नाम पर दे दिया जाए। जो ज़मीन एक सामाजिक आदमी नगर निगम को देना चाहता है इस्तेमाल के लिए, फिर उस पर इस्तेमाल क्या करना है ये नगर निगम और जनता डिसाइड कर लेगी और मैं जनता के साथ खड़ा होऊंगा। इसी लाइन को पूरा कर देंगे तो मैं मानूंगा कि जनता की जीत हुई। मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं गलत था, नहीं, जनता की आवाज़ सुनी गई और वो ज़मीन जनता की तरफ से जनता को समर्पित कर दी गई और उसके ऊपर खेल के मैदान की शुरुआत हो गई। अगर आज ही इस प्रस्ताव को दिया जाए तो मैं पत्रकार बंधुओं के सामने काशीपुर और बाजपुर की जनता से, क्योंकि वो जमुई बाजपुर विधानसभा में आती है, ये निवेदन करता हूँ, ये कहता हूँ, शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं उसको खेल के मैदान के लिए विकसित करूंगा, जनता के सहयोग के साथ, नगर निगम के साथ कंधे से कंधा खड़ा बढ़ाया गया। महापौर के दिशा निर्देशन में, काशीपुर की महापौर के दिशा निर्देशन में उसको आगे बढ़ाया गया और शासन को वो चिट्ठी लिखी गई। वहां से मार्को की चिट्ठी उधम सिंह नगर में आती है, 2019 की बात है और वो प्रकरण आगे चलता है। हमारे अच्छे अधिकारियों के द्वारा, उस समय के मौजूद MNA के द्वारा उस समय ये फाइल रुक जाती है किसी भी कारणवश, उसके बाद ये फाइल फिर निकलती है और फिर इस पर मार्क जब होता है और मार्क होने के बाद खनन विभाग से इसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। खनन विभाग 2 जून 2021 मतलब यही 2 जून 2021 में खनन विभाग 25 ग्यारह 2020 को यह जिंदा होती है दोबारा और आगे बढ़ती है। उससे पहले ये 23 नौ 2019 को ये लेटर निकलता है। उसके बाद अभी हाल में ही 25 ग्यारह 2020 को इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता है। इसमें साफ ऊपर लिखा